हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखोगे आप 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 8 पार्ट है, वन बाय वन आपको करके देंगे, पहले रीड करेंगे। देखो, हमने आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट तो करा चुके हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत सी चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन कर दी, जिससे आपको एक एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाए। तो देखो, हमने क्या करा है, इसमें जो भी इंट्रोडक्शन था, डिफरेंट टाइप की चीज़ें सीखी है। बट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या आ जाता है 10.1 के, गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है इन द फॉलोइंग केस यूजिंग वेरिएबल कॉन्स्टेंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के केस दिए गए हैं, हमें उनको वेरिएबल एंड अर्थमेटिक मीन कॉन्स्टेंट का यूज करके हमने उनको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने हैं। उन्हें कुछ केसेस दिए गए हैं, उनका अर्थमेटिक वो मीन्स एक तरीके से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना के देंगे। सिंपल सा केस, मतलब हमने जो भी स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। पहला स्टेटमेंट आपको पढ़ाएंगे, जो हमारा पहला है वो हमसे बाय मिस्टेक हो गया है। जो हमारा 8 नंबर का है वो हमारा फर्स्ट पार्ट था, बट कोई दिक्कत नहीं है, सारे पार्ट हमने आपके लिए लिखे हैं 1 से लेकर 8 तक, बट जो 8 है वो हमारा फर्स्ट है, बस इतना मान के चलें। सबसे पहले हम अपना करेंगे जो 1 है ना, फर्स्ट पार्ट है हमारा, वो सेकंड पे 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर एक्स एंड वाई। तो हमने सम करना है, सम किसका करना है, सम ऑफ नंबर एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई का हमने सम करना है, एंड क्या करना, 1/2, और उसका हाफ कर देना। हाफ कैसे लिखते हैं, देखो ध्यान से देखना, फर्स्ट पार्ट हाफ हम ऐसे लिखते हैं, फिर 1/2 ऑफ नंबर, 1/2 ऑफ नंबर कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई नंबर, नंबर क्या है हमारे, नंबर है हमारा एक्स एंड वाई, इनका सम। तो करेंगे, इरेज करेंगे फिलहाल, तो इसको हमने एक्स प्लस वाई इसका तो सम करना है, सिंपल सा कैसे, और उसका हाफ कर देना, हाफ का मतलब नीचे 2 लगा देना, सिंपल सा केस, और ये हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार, सिंपल सा। सेकंड पार्ट करके देंगे आपको, देखो सेकंड में क्या बोला, समझ गए होंगे, मीन जो एक्स और वाई था हमारा, उनका सम करना है एंड हाफ कर देना है, जैसे कि मैंने करके दिखाया, एक्स एंड वाई का सम करा और हाफ कर दिया, सिंपल सा केस। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ जेड मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, मतलब जेड जो नंबर है वो अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, जेड जो नंबर है वो अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन जेड से मल्टीप्लाई, तो एक्सप्रेशन क्या आ गई, जेड स्क्वायर, सिंपल सा, बहुत इजी। जेड की मल्टीप्लाई जेड से करेंगे तो जेड स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे थर्ड पार्ट पे, इसकी बहुत इजी पार्ट चल रहे हैं हमारे, पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, एक्सप्रेशन बनाने के लिए बोल रहे हैं। अब आता है 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ नंबर पी एंड क्यू, 1/4 करना है, जैसे हाफ करा 2 लगाया, 1/4 करेंगे तो 4 लगा देंगे, बट उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट करना है हमने पी क्यू का। जब पी की मल्टीप्लाई क्यू से करेंगे तो पी क्यू आ जाएगा, सिंपल सा केस, और इसका हमने 1/4 कर देना है, सिंपल सा केस। देखो, अगर ऐसे नहीं लिखना आपको, 1/4, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन 4, सिंपल सा केस, ऐसे भी हम कर सकते हैं इसको। पहले 1/4 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू दिखाया, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, जब पी की मल्टीप्लाई क्यू से करेंगे तो पी क्यू आएगा, और उनका 1/4 कर देना, मीन्स 4 डिवाइड में लगा देना। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ पार्ट, बहुत ईजी चल रहा है हमारा फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट में क्या है, नंबर नंबर एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर एंड एडेड, मतलब हमने इनका स्क्वायर करना है और इनको एड करना है, तो दोनों नंबर का स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर कर दिया लो, और उसने बोला इनको सम कर दो, सम कर दो तो प्लस कर दो, सिंपल सा गैस बन गया एक्सप्रेशन हमारी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो बोला था। अब आता है फिफ्थ पार्ट हमारा, देखो ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझना है इनकी थ्योरी, अगर थ्योरी आपको समझ में आ गई, क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे करने के लिए, वही हमने काम करना है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पार्ट, नंबर 5 एडेड, नंबर को 5 एड, कहीं ना कहीं तो 5 एड करना है, 2-3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ एम एन एन, तो एम एन एन का हमने प्रोडक्ट करना है और उसका 3 टाइम्स करना है, 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई करनी है, जब 3 टाइम्स आए तो कहीं मल्टीप्लाई करनी है, तो 3 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट किसका करना है, एम एन एन का, एम एन का प्रोडक्ट हो जाएगा एम एन, और फिर उसके बाद हमने क्या कर देना है, 5 ऐड कर देना, प्लस 5, तो फाइनल निकल के आता है 3mn+5, सिंपल सा, बहुत इजी, बस आपको डायरेक्ट सोल्यूशन कर दिखाना, डायरेक्ट एक्सप्रेशन देनी है, जैसे कि ये वाली, ये मीन सॉल्व करके नहीं देना आपको, तो फाइनल हमारा हो जाएगा ये वाला आंसर, 3mn+5 प्रोडक्ट ऑफ एम एन और 3 टाइम्स, और उसके बाद इसको प्लस कर देना क्या, किस 5, तो प्लस कर दिया 5, सिंपल सा गेस, एक्सप्रेशन बन गई हमारी। नेक्स्ट आता है हमारा
फिफ्थ के बाद आता है हमारा सिक्स पार्ट। सिक्स में देखो, ध्यान से देखना, सिक्स में क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z, प्रोडक्ट करना है हमने y एंड z का, और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10, हमने 10 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना। पहले तो प्रोडक्ट तैयार करना है, प्रोडक्ट तो किसका, yz का, तो yz हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमने इसमें से किस में से माइनस करना है, फ्रॉम 10 में से, तो 10 माइनस कैसे लिखा जाएगा, 10 माइनस एक्स वाई, सिंपल सा, एक्स वाई का प्रोडक्ट करना है और इसको 10 में से सब्ट्रैक्ट कर देना, सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस, सिंपल सा। आगे आता है हमारा 7 नंबर का पार्ट। 7 नंबर, 7 नंबर में देखो क्या पूछेगा ये हमसे, ध्यान से देखना, सम ऑफ नंबर ए एंड बी, इसका सम करना है पहली बात तो, ए एंड बी का सम करो, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दियर प्रोडक्ट, और इनके प्रोडक्ट से माइनस कर दो, ठीक है। सिंपल सा, कैसे, सम ऑफ नंबर ए एंड बी, ए एंड बी का सम कर दो, चलो ए एंड बी का सम हो जाएगा ए प्लस बी, फिर हमने सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दियर प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट से हमने जब ए और बी का प्रोडक्ट करेंगे तो ए बी, तो सबसे पहले तो ए बी लिखेंगे, ए बी माइनस हमने क्या करना है, ए प्लस बी, सिंपल सा, अपने ए बी प्रोडक्ट ऑफ ए बी में से माइनस कर देना सम ऑफ ए बी को, सिंपल सा, सम ऑफ ए बी को माइनस कर देना। अभी आपको वन बाय वन चेक करके दे देंगे आंसर। नेक्स्ट आता है हमारा एट पार्ट। एट पार्ट जो था हमारा, फर्स्ट पार्ट था, बहुत ईजी हो गए। देखो क्या लिखा है इन्होंने, सब्ट्रैक्शन ऑफ, सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई, वाई में से हमने जेड को सब्ट्रैक्ट करना है, तो वाई माइनस जेड, सिंपल सर। अब देखते हैं हमारे, सिंपल से है स्टेटमेंट, आपको समझनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको काम कर देना है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट आता है हमारा पहला वाई माइनस जेड, ठीक है, जो हमारा एट पार्ट था वो फर्स्ट है। सेकेंड वाला हमारा एक्स प्लस टू अपॉन टू, वैसे तो सारा ठीक होगा, एक बार फिर भी आपके लिए चेक कर लेंगे हम, जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर है, फिर हमारा पी क्यू अपॉन फोर्थ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर थ्री एम एन माइ, थ्री एम एन हमारा सिक्स पार्ट है, थ्री एम एन प्लस फाइव, बिल्कुल ठीक है। फिर हमारा सेवन नंबर का टेन माइनस वाई जेड, बट हमने वाई जेड की जगह वाई एक्स, देखते हैं हमारा सेवन 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 हमारा ये वाला माना जाएगा, सिक्स का वाई जेड है, देखो ध्यान से देखना, वाई जेड है तो वाई जेड ही रखेंगे, हमें एक्स फालतू में रख दिया, वाई जेड वो जल्दबाजी में, वाई जेड देखो, वाई जेड को हमने सब्ट्रैक्ट करना है टेन में से, प्रोडक्ट करो वाई जेड का, कर दिया लो, और हमने टेन में से सब्ट्रैक्ट कर देना, एक्स लगा दिया था वहां। बाकी आगे का हमारा ए भी एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक, बाकी सारा आंसर ठीक। वीडियो पॉज करके इसको नोट करें, बहुत जल्द मिलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, धन्यवाद।